हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर हर्षमन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज जिस प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो चार ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैक्सिमम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं अपनी फेशियल स्किन के लिए, एंड वो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती हैं। और अगर आप अच्छी ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो ये चार प्रोडक्ट्स को आज के आज ही अपनी डेली स्किन रेजिमेन से निकाल दीजिए। सबसे पहला प्रोडक्ट जो आपने नहीं यूज करना वो है बार सोप्स। सो वी ऑफन सी दैट पीपल यूज बार सोप्स फॉर क्लेंजिंग देयर फेशियल स्किन। फेशियल स्किन को क्लीन करने के लिए फेशियल क्लेंजर्स आते हैं मार्केट में जो आपको यूज करने चाहिए। बार सोप्स आर रियली वेरी हार्ड फॉर योर स्किन और इतने हार्श केमिकल से वो बने होते हैं जो आपकी फेशियल स्किन को खराब कर देते हैं। सो अगर आपको चाहिए तो आप नेचुरल क्लेंजर्स यूज करें या फेशियल क्लेंजर्स जो पर्टिकुलरली मार्केट में फेस के लिए मिलते हैं वो यूज करें। सेकेंड चीज है पेट्रोलियम जेली। नाउ पेट्रोलियम जेली इज ऑफ्टन यूज इन आवर होम्स स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स टू कीप आवर स्किन हाइड्रेटेड स्पेशली ऑफ द फेस एज वेल एज लिप्स। तो आपने पेट्रोलियम जेली नहीं यूज करनी। जेली विच वी ऑब्टेन फ्रॉम हनी बी वैक्स दैट इज वेरी गुड टू यूज, बट इफ यू आर गेटिंग जेली फ्रॉम द सोर्स लाइक पेट्रोलियम दैट इज एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर योर स्किन। पेट्रोलियम जेली बहुत से मार्केट नेम्स में अवेलेबल होती है, ब्रांड नेम्स, वेरियस ब्रांड नेम्स अवेलेबल है मार्केट में। कोई भी ब्रांड नेम नहीं अच्छा है। पेट्रोलियम जेली को आज के आज ना यूज करें। लॉन्ग रन में ये आपकी स्किन को पिगमेंटेड भी कर देगी और साथ के साथ और ड्राई भी कर देगी। थर्ड जो है दैट इज बॉडी मॉइस्चराइजर्स। अक्सर हमने देखा है कि शॉप्स में बॉडी मॉइस्चराइजर्स बहुत बड़ी बड़ी पैकिंग्स में अवेलेबल होते हैं और कुछ खास महंगे भी नहीं रहते। हम वही मॉइस्चराइजर्स लेके आते हैं, अपनी बॉडी के लिए भी यूज करते हैं एंड फेस की स्किन के लिए भी यूज कर लेते हैं। बॉडी मॉइस्चराइजर्स आर मेंट जस्ट फॉर योर बॉडी बिकॉज दे आर नॉट मेड फॉर फ्रॉम वेरी गुड प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से जब आप अपनी फेस की स्किन के लिए इनको यूज करते हैं वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देते हैं एंड साथ के साथ आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं जैसे एक्ने एंड वेरियस अदर स्किन प्रॉब्लम्स। सो स्टॉप यूजिंग द बॉडी मॉइस्चराइजर्स फॉर योर फेस। यूज अ फेस मॉइस्चराइजर्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट या नेचुरल चीजें यूज करें। लास्ट थिंग विच इज एब्सोल्युटली नॉट टू बी यूज फॉर योर फेशियल स्किन दैट इज रबिंग अल्कोहल। Rubbing alcohol is present in the astringents, in the toners which are available in the market, which play a havoc for your skin. Why? हम use करते हैं ये जो rubbing alcohol होती है या toners होते हैं to control the oil production on our facial skin. जो लोग ज्यादा oily skin होती हैं जिनकी, वो use करते हैं toners to control the oil production. But actually what happens is once you clean your facial skin with these toners, it looks really very clean. But after some time, our face detects less of oil on the skin. What happens? Then it starts producing more oil. So आपकी skin जो है वो इतनी intelligent है कि जब उसको लगता है कम oil produce हो रहा है वो ज्यादा oil produce करना शुरू कर देती है, and जिसके साथ आपकी जितनी पहले oily skin थी अब rubbing alcohol use करने के बाद और ज्यादा हो जाएगी। सो नेवर एवर यूज दिस रबिंग अल्कोहल फॉर योर फेस। सो दीज आर द फोर थिंग्स, बार सोप्स, पेट्रोलियम जेली, बॉडी मॉइस्चराइजर्स एंड द रबिंग अल्कोहल्स विच शुड बी एब्सोल्युटली नॉट बी यूज फॉर योर फेशियल स्किन। आज के आज इसको बंद करें एंड पाए बहुत ही ग्लोइंग, यूथफुल एंड वेरी क्लियर स्किन। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल वी मीट नेक्स्ट, stay smiling, stay shining, and stay protected. Bye-bye.